आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नर्मदांचल में सागौन माफिया बेखौफ बेरोक टोक अपना काम कर रहा है। जंगल से पेड़ काटे जाने तक किसी को खबर नहीं हो रही। इस बात का खुलासा वन विभाग के गश्ती दल की उस कार्रवाई से हुआ जब उसने एक गाड़ी से तस्करी कर ले जा रही सागौन की लकड़ियों को पकड़ा। नर्मदा किनारे से लकड़ी माफिया सागौन के पेड़ काटकर तस्करी कर रहे हैं। बुधनी में देर रात 3 बजे गश्त पर निकली वन विभाग की टीम ने सागौन से भरी हुई टेम्पो ट्रैक्स को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। जब वन विभाग की गश्ती टीम ग्राम ऊंचा खेड़ा के जंगल में पहुंची तो उन माफियाओं का वाहन खड़ा दिखाई दिया। वाहन में सागौन की लकड़ी भरी हुई थी जिसे गश्ती दल ने जब्त कर लिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।